हेलो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में फिटिंग पैंट की कटिंग करना बारीकी से समझाया है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, फिर आपको फिटिंग पैंट की कटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, फिर आपको फिटिंग पैंट की कटिंग करना बताते हैं। ये आपको ऊपर से 1 इंच पे निशान को लगा लेना है, फिर आपको इस वाले निशान को सीधा कर देना है इस तरह से। फिर आपको पैंट की लेंथ से आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हुए आपको निशान को लगा लेना है इस तरह से। फिर आपको 2.5 इंच पे आपको बॉटम फोल्ड का निशान लगा लेना है। फिर आपको इन सभी निशानों को सीधा कर देना है। फिर आपको नीचे से 14 इंच पे निशान को लगा लेना है, घुटने का निशान है। फिर आपको इस वाले निशान को सीधा कर देना है। फिर आपको हिप के चौथे हिस्से से आपको निशान लगा लेना है लटक का इस तरह से। फिर इस निशान को भी सीधा कर देना है इसी तरह से। ये हिप के चौथे हिस्से पे निशान लगेगा दोस्तों। फिर आपको ये निशान को हल्का सा लगा लेना है जिससे इसके आगे का मेजरमेंट किया जाए थाई का। फिर आपको थाई का निशान लगा लेना है। फिर आपको 1.25 इंच बैक करते हुए निशान को लगा लेना है। फिर आपको थाई के 1/2 इंच में निशान लगा लेना है। ये दोस्तों, आपको यह पूरी कन्नी का सुधा नाप लेना जितना है, जैसे 7 इंच है तो इस तरह से 7 इंच पे नापते हुए निशान लगा लेना है तीनों। फिर ये बीच वाले निशान को इस तरह से मिलाते हुए सीधा कर देना है। ये एल वाले स्केल से आप सीधा कर सकते हैं। फिर आपको मोहरी के चौथे हिस्से पे इंसान को लगा लेना है इस साइड। फिर आपको इसी साइड चौथे हिस्से पे इंसान लगा लेना है मोहरी के। ये टोटल आपका दूसरे हिस्से पे आ जाएगा मोहरी के। फिर आपको इसी तरह से इंसान को लगा लेना है चौथे हिस्से पे घुटने का। फिर आपको इस वाले निशान को, घुटने वाले निशान को, मोहरे वाले निशान को कुछ दूर सीधे मिलाते हुए सीधा कर देना है इस तरह से दोनों लंग से। फिर आपको ये हल्का सा क्रॉस कर देना है एक लंग। फिर आपको हल्का इधर सीधा कर देना है। फिर आपको ये राउंड वाली स्केल से आपको इस तरह से राउंड मिलाते हुए निशान को लगा लेना है। फिर आपको इस तरह से राउंड इधर साइड में भी मिला देना है। फिर ये आपको 1/2 इंच निशान लगा लेना है इस तरह से। फिर आपको ये इस तरह से मिलाते हुए निशान को लगा लेना है। फिर आपको कमर का निशान लगा लेना है। फिर इसमें आपको 1 इंच स्टार रख देना है मार्जिन के लिए। फिर आपको इस वाले निशान को आपको इस तरह से मिलाते हुए सीधा कर देना है। फिर आपको हल्का सा इस तरह से राउंड दे देना है। यहाँ पे आपको एक निशान लगा लेना है जहाँ से राउंड कट हो ये। फिर आपको ऊपर से 1 इंच पे निशान को लगा लेना है। फिर ये आपको राउंड वाली स्केल से आपको इस तरह से राउंड मिला देना है। फिर आपको 2.5 इंच पे निशान को लगा लेना है इस तरह से। ये आपको 7.5 इंच पे पॉकेट का निशान लगा लेना है। फिर आपको इस तरह से मिलाते हुए आपको सीधा कर देना है। ये आपको 1 इंच पे निशान को लगा लेना है पॉकेट का। फिर आपको 5.5 इंच पे पॉकेट का निशान को लगा लेना है इस तरह से। इसमें भी नोचेस लगा देने हैं। फिर आपको इसका मेजरमेंट डाल देना है पूरी पैंट का। हमारे पैंट के फ्रंट पार्ट के निशान लग चुके हैं, चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं।
हमारे फ्रंट पीस की कटिंग हो चुकी है, चलिए इसके बैक पीस की कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से आपको कपड़े को फोल्ड कर देना है उल्टा करते हुए। इस तरह से आपको बराबर करते हुए आपको फोल्ड करना है बैक पीस के कपड़े को। फिर आपको इस पे फ्रंट पीस को रख देना है। इस तरह से रखते हुए मिला देना है आपको, पूरे खोल लेना है फ्रंट पीस को। नीचे से आपको मिला देना है, ऊपर जितना कपड़ा निकले उतना निकलने दीजिएगा। फिर आपको ऊपर 1 इंच उठाते हुए आपको बैक में उठा निशान लगा लेना है। फिर आपको इस निशान को भी सीधा कर देना है इसी तरह से। फिर ये आपको 1.5 इंच पे निशान को लगा लेना है, ये आपको 1 इंच पे निशान को लगा देना है। फिर ये आपको इस तरह से सीधा कर देना है नीचे की ओर। ये आपको 1 इंच का लगभग मार्जिन रख लेना है। यहाँ पे आपको 2.5 इंच का निशान लगा लेना है एक लूजिंग के लिए। फिर आपको इस तरह से राउंड मिलाते देना है राउंड वाली स्केल से। फिर आपको 1 इंच का मार्जिन इसमें भी रख देना है। फिर यहाँ पे आपको 2.75 इंच पे निशान को लगा लेना है। फिर आपको इस तरह से मिलाते हुए आपको सीधा कर देना है। इस तरह से आपको एक क्रॉस निशान लगा लेना है। फिर आपको इसमें भी राउंड दे देना है और बैक में भी इंसान को राउंड दे देना है। ये बैक सीट का मार्जिन हो गया। हमारे बैक पीस के भी निशान लग चुके हैं, चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। फिर मिलते हैं। हमारे फिटिंग पैंट की कटिंग हो चुकी है, इसके हम ये कपड़े हटा देने हैं। ये आपको नाप लेना है कि कमर कितनी आ रही है। जो 16 इंच है, इसमें 32 इंच कमर है, तो ये 16 इंच आ रहा है। तो ये इसी तरह से आपको कमर का निशान देख लेना है, ये कमर की जितना आएगा दूसरा हिस्सा कमर का। ठीक है, आपको इस तरह से रखते हुए मिला देना है, देख लेना है, पहले चेक कर लेना है। हमारे पैंट पीस